दोस्तों, क्या आपका ये बैंक अकाउंट SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपका चेक बुक खत्म हो गया है? अगर हाँ, तो आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बैंक की तरफ रुख करते हैं, बैंक जाते हैं, बैंक में आपको एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म भर के आप सबमिट करते हैं और आप चेक बुक रीइशू करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने भी यही किया था, हालांकि बैंक में खुद नहीं गया था, मेरे भाई को भेजा था। जब बैंक गया तो मेरे भाई को बैंक वाले ने बताया कि अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू चेक बुक रीइशू करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तब आपका चेक बुक जल्दी भी आ जाता है और आपको बहुत सारा समय बच जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप नेट बैंकिंग थ्रू ऑनलाइन चेकबुक रीइशू करने के लिए रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो आप थोड़ा सा गलती कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी तरह के वीडियोज में आपको प्रोवाइड कराता रहूं और आप सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कर सकें। तो मैं चलता हूं लैपटॉप स्क्रीन में और वहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना चेकबुक को ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं रीइशू के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना SBI का चेकबुक को रीइशू करने के लिए आपको अपना लैपटॉप कंप्यूटर या फिर मोबाइल में सिंपली आपको यहां पर सर्च करना है onlinesbi.com और इसके बाद आपको अपना नेट बैंकिंग को ओपन कर लेना है, मतलब कि लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, अगर ये प्रोसेस आप मोबाइल से करते हैं तो गूगल क्रोम को डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लीजिए। इसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर सारा प्रोसेस एक जैसा होने वाला है, मोबाइल में भी एक जैसा ही प्रोसेस होगा। आइए दिखाते हैं आपको कि जब आप लॉगिन कर लेते हैं इसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपना नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहां पे आपको ध्यान समझना है कि आप कैसे ऑनलाइन अपने चेकबुक को रीइशू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां ऊपर देखिए आपको अलग अलग कई सारे टैब मिल जा रहे हैं। सेकंड लास्ट में देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज का, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो सेकंड नंबर पर यहां पर देखिए आपको चेकबुक सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, आपको चेकबुक सर्विसेज में क्लिक करना है। इसके बाद तीन ऑप्शन आपके सामने आता है। फर्स्ट में देखिए चेकबुक रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पे आपको दोस्तों ध्यान समझना है और आपको केयरफुली सारा कुछ यहां पे फिल करना है ताकि आपसे कोई भी गलती नहीं हो। यहां पे जैसे ही दोस्तों आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा है और इसके बगल में एक चेकबॉक्स है गोल का, आपको इस गोल वाले चेकबॉक्स में क्लिक कर देना है और यहां पे आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे में देखिए आपका चेकबुक का मैक्सिमम लिमिट कितना होगा वो यहां पे दिखाई दे रहा है, इससे आप चेंज नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट ले लिया है। और इसके ठीक नीचे में नंबर ऑफ चेकबुक्स में 1 ले लिया है क्योंकि एक बार में एक ही चेकबुक इशू होगा, इसीलिए इसे भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी बाय डिफॉल्ट ले लिया है। इसके ठीक नीचे दोस्तों यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपके चेकबुक में कितना पेज होना चाहिए। तो मिनिमम आप 10 पेज वाला चेकबुक मंगा सकते हैं और मैक्सिमम आप 50 पेज वाला चेकबुक मंगा सकते हैं। तो मैं अपने चेकबुक में 25 पेज मंगाना चाहता हूं तो मैं 25 ले लूंगा, यहां पे मेरे चेकबुक में 25 पेज आएगा। और यहां पे दोस्तों एक और चीज आपको बता दूं कि यहां पे आप सिर्फ बेयरर चेक मंगा सकते हैं, दूसरा कोई चेकबुक नहीं मंगा सकते हैं, यहां पे बाय डिफॉल्ट ले लिया, आप इसे भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहां पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तब आपको सबमिट पे एक बार क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको सारा डिटेल को चेक करना है कि सारा कुछ सही है या फिर नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको जिस एड्रेस में मंगाना है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है। पहला है आपका रजिस्टर्ड एड्रेस, मतलब कि जो भी आपका एड्रेस आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है वो एड्रेस पर आप चेकबुक मंगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लास्ट टाइम आपने जहाँ पर मंगाया था, मतलब कि ये ऑप्शन लास्ट अवेलेबल डिस्पैच एड्रेस, मतलब कि आपने ATM कार्ड या फिर चेकबुक आखिरी टाइम लास्ट टाइम जहाँ भी मंगाया था उसी एड्रेस पे आपका चेकबुक आ जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है न्यू एड्रेस, मतलब कि आप कोई नया एड्रेस देना चाहते हैं, जैसे कि आपने ऑफिस वगैरह का एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो न्यू एड्रेस पे क्लिक करके आप इस तरह से अपना नया एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं मंगाऊंगा अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पे, जहाँ मैंने अपना अकाउंट में एड्रेस इंटर करवाया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा मेरा एड्रेस, जो भी रजिस्टर्ड मेरे अकाउंट से है वो एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका कोई गड़बड़ी है यहाँ पे तब आप यहाँ पे न्यू एड्रेस पे क्लिक करके भी चेकबुक मंगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चेकबुक आ रहा है आई एग्री वाला, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है आई एग्री में कंडीशन में, आपको टिक करके आपको फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे आपका देखिए एक OTP जाएगा आपके मोबाइल पे। OTP यहाँ पे डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों, मैंने अपना OTP यहाँ पे इंटर कर दिया है जो कि मैसेज के थ्रू आया था। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा, तो मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा जो चेकबुक का रिक्वेस्ट है वो फाइनल सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर लिख रहा है कि मेरा 3 वर्किंग डेज में मेरा चेकबुक मेरे दिए हुए पते पर आ जाएगा। हालांकि ये 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तब आपका जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर आपका चेकबुक मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।